यानी जैसे जैसे टर्म हम लोगों ने लीनियर मोशन में किए थे उनके एंगुलर वर्जन, ये तभी हो पाया जब हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, और फिर हम लोगों ने उन्हीं फॉर्मूलों को लेके प्योर रोटेशनल मोशन में सिंपल एप्लीकेशंस किए 5 सेक्शन में। पूरी मैकेनिक्स को हम लोगों ने 5 सेक्शन में सोचना स्टार्ट किया है, काइनेमेटिक्स पार्ट, लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी पार्ट, इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट। और प्योर रोटेशनल मोशन समझने के बाद, इन फॉर्मूलों पे प्योर रोटेशनल मोशन के एप्लीकेशन करने के बाद, फिर हम लोगों ने ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, यानी एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन दोनों तरह के मोशन करेगी, उसके लिए हम लोगों ने बात करी। और अब हम लोग इन्हीं 5 सेक्शन में एक एप्लीकेशन करने वाले हैं रोलिंग का। रोलिंग बेसिकली दुनिया के जितने भी व्हील हैं उस व्हील में दो तरह के मोशन इन्वॉल्व रहते हैं, रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि हर बॉडी को एक जैसी वेलोसिटी मिले, एक्सेलेरेशन मिले, तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। और अगर कोई बॉडी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दे, दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन। सोचो ऐसा कंबाइंड मोशन एक ही बॉडी को मिल जाए, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी, तो मैं कहूंगा हर पार्टिकल के अंदर इनके वेक्टर सम के हिसाब से वेलोसिटी आएगी। हम सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी पे स्पेशली इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं कोई सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी में ट्रांसलेशन की वजह से वीटी मिला है, रोटेशन की वजह से वीआर मिला है, और मैं कह रहा हूँ वीटी वीआर से ज़्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ज़मीन वाला पॉइंट नेट में आगे की तरफ वेलोसिटी रखेगा, यानी वो ज़मीन में पड़ी हुई धूल को आगे खिसकाता हुआ जाएगा। सोचो अगर वीआर ज़्यादा हो जाए तो मैं कहूँगा कि वो धूल को पीछे उड़ाएगा, यानी कुछ इस तरह से। हमने देखा होगा जब चीज़ें गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो गाड़ियाँ कीचड़ उछालती हुई आगे बढ़ती हैं, उनमें रोटेशन ज़्यादा होता है, ट्रांजिशन कम होता है, उसको हम बैकवर्ड स्लिपिंग बोल रहे हैं। कुछ इस तरह का मोशन होगा। और अगर दोनों बैलेंस हैं, यानी वी ट्रांसलेशन वी रोटेशनल इक्वल हैं, तो कुछ ऐसा मोशन होगा, यानी व्हील ऐसा रहे लगेगा जैसे ज़मीन को छू के निकल रहा है, बॉटम वाला पॉइंट ज़मीन को छू के निकल रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग प्योर रोलिंग बोलेंगे। इस बात को समझने के लिए मैंने एक और ये मॉडल बनाया है। सोचो कि ये सारी माचिस की तीलियां हैं और दोनों तरह के कंबाइंड मोशन इस व्हील को हमने दिए हैं, सच दैट किसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्या बताओ, ज़मीन को जो भी पॉइंट छूता है उसके अंदर नेट में वेलोसिटी पीछे होती है। सोचो अगर इस सरफेस में माचिस जलाने वाला मसाला लगा हुआ है, तो मैं कहूँ कि ये माचिस की तीलियां सारी जल जाएंगी, क्योंकि वो स्लिप कर रही है, उसके अंदर स्लिपिंग टेंडेंसी है, काइनेटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि ट्रांसलेशन ज्यादा है, तो भी जमीन को जो पॉइंट छूता है उसके अंदर नेट वेलोसिटी आगे रहती है, यानी इस केस में भी सारी तीलियां जलना चाहिए। और अगर नेट वेलोसिटी जीरो है तो ऐसा लगेगा वो जमीन को छू के निकल रही है, कोई रबिंग टेंडेंसी नहीं है, और रबिंग टेंडेंसी नहीं है तो इस बार कोई भी तीली जलना नहीं चाहिए। ऐसे हम समझ सकते हैं प्योर रोलिंग को। तो अभी यार प्योर रोलिंग में मैंने कहा कि दो तरह के मोशन इन्वॉल्व हैं, और इन दो तरह के मोशन को अलग करना और फिर अलग अलग मैकेनिक्स उसमें लगाना, यही हम लोग रोलिंग में देखने वाले हैं। यानी हम एक एक करके पहले काइनेमेटिक्स पार्ट, फिर लॉज ऑफ मोशन पार्ट, वर्क एनर्जी, जितने पार्ट पे हम लोगों ने कंबाइंड डिस्कशन किए हैं, जनरल डिस्कशन किए हैं, जनरल बॉडीज के डिस्कशन किए हैं, वही सारे डिस्कशन हम लोग सर्कुलर बॉडीज के लिए करेंगे। लेकिन अब ये डिस्कशन रोलिंग के आसपास घूमेंगे, या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, या तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगी, या तो प्योर रोलिंग होगी, हम इन्हीं में सारी बातें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट से।